हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कार डायरेक्टर चैनल। आज हम रिव्यू कर रहे हैं एक जैपनीज हैचबैक का, निसान माइक्रा एक्टिव। फोर्थ जनरेशन मॉडल आप ये देख रहे हैं, आता है सिर्फ एक इंजन ऑप्शन के साथ पेट्रोल में। ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलता आपको माइक्रा एक्टिव में। इसमें आते हैं टोटल तीन वेरियंट्स। ये जो आप सामने वेरियंट देख रहे हैं, टॉप वेरियंट XV, जिसकी कीमत पड़ती है 6,90,000 रुपये की ऑन रोड अप्रॉक्सीमेटली दिल्ली में। और यहाँ आपको मिलते हैं मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स स्टैंडर्ड हेलोजन बल्ब के साथ विद साइड टर्न इंडिकेटर। और ये है इसकी फ्रंट ग्रिल, ब्लैक मैश ग्रिल मिलती है आपको। और ये निसान का लोगो। फॉग लैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता आपको माइक्रा एक्टिव में। और ये इसकी लोअर ग्रिल या फ्रंट एयर डैम। टोटल 5 ईयर्स या 1,00,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है विद 24/7 कॉम्प्लीमेंट्री रोडसाइड असिस्टेंस। और यहाँ मिलते हैं आपको व्हील्स कवर्स के साथ ब्लैक स्टील व्हील्स, जिनका टायर रेशियो है 165/17 R14 का। 13 इंच का भी ऑप्शन है जो आता है लोअर वेरियंट्स में। ORVM साइड टर्न इंडिकेटर के साथ। आउटसाइड डोर हैंडल आपको बॉडी कलर्ड मिलते हैं, बी पिलर भी आपको बॉडी कलर्ड मिलता है माइक्रा एक्टिव में। और ये इसका साइड प्रोफाइल लुक। एंड डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ मिलती है आपको 3801 mm की, वेट है 1665, हाइट है 1530 एंड व्हील बेस इधर मिलता है 2450 mm का। एंड ब्रेक्स की बात करें तो आगे मिलती है आपको वेंटिलेटेड डिस्क और पीछे मिलती है ड्रम ब्रेक्स। एंड ग्राउंड क्लियरेंस इधर मिलता है 154 mm का। टर्निंग रेडियस है 4.65 meters एंड कर्व वेट इधर मिलता है 960 kg का निसान माइक्रा एक्टिव में। और ये है इसका एंटीना और ये इसका रूफ। एंड रियर में स्पॉयलर का ऑप्शन नहीं मिलता आपको, ये हाई माउंट स्टॉप लैंप। एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ मिलती है आपको 41 liters की, एक बारी में आप 41 liters का पेट्रोल डलवा सकते हैं। राइट हैंड साइड पे मिलता है आपको एग्जॉस्ट पाइप। एंड सस्पेंशन की बात करें तो आगे मिलता है आपको मैक पियर्सन स्ट्रट का, पीछे मिलता है आपको टॉर्शन बीम का सस्पेंशन। और रियर बम्पर मिलते हैं आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। और ये इसका कंप्लीट रियर प्रोफाइल लुक। और ये इसके टेल लाइट्स सर्कुलर शेप में मिलती हैं आपको। नीचे है साइड टर्न इंडिकेटर, ये XV की ब्रांडिंग, XV प्योर ड्राइव। और लेफ्ट हैंड साइड पे मिलती है आपको माइक्रा एक्टिव की ब्रांडिंग। और ये इसके रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, टोटल 4 मिलते हैं आपको। रिफ्लेक्टर्स नहीं मिलते आपको रियर बम्पर्स पे, ब्लैक रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। और ऊपर मिलता है हाई माउंट स्टॉप लैंप। रियर में डिफॉगर या वाइपर या वॉशर का ऑप्शन नहीं मिलता आपको टॉप वेरियंट में भी। और ये निसान का लोगो। आइए इसका बूट खोल के देखते हैं। और यहाँ आपको मिलता है 241 liters का बूट स्पेस निसान माइक्रो एक्टिव में। लगेज पार्सल ट्रे का भी फीचर मिलता है आपको। और ये इसके सिल्वर व्हील कवर्स स्टैंडर्ड फिटमेंट, यही लगे आते हैं गाड़ी में। और ये फ्लोर मैट्स और कुछ ऐसा दिखता है बूट। लगेज स्लैम का कोई ऑप्शन नहीं मिलता आपको इधर। और इसको उठाएंगे तो यहाँ मिलता है आपको स्पेयर व्हील टायर, जैक एंड टूल किट देखने को मिल रहा है इधर। एलॉय व्हील्स का ऑप्शन नहीं मिलता आपको निसान माइक्रा एक्टिव के किसी भी वेरिएंट में, एसेसरी में आप लगवा सकते हैं। B2 सेगमेंट में आती है निसान माइक्रा एक्टिव। बॉक्सी टाइप का बूट मिलता है आपको। और आप सेकेंड रो की सीट्स को 50-50 फोल्ड डाउन भी कर सकते हैं और बूट स्पेस पाने के लिए। और इस लीवर को पुल करेंगे तो आप सेकेंड रो की सीट्स को फोल्ड डाउन कर पाएंगे, इससे आपको अधिक बूट स्पेस मिल जाता है। और कुछ ऐसा दिखता है बूट फोल्ड डाउन करने के बाद माइक्रा एक्टिव में। और यहाँ मिलता है ग्रैब हैंडल, एसेसरी में आप लगवा सकते हैं कैमरा। आइए इसका रियर पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं। ब्लैक इंटीरियर मिलता है आपको, ये इनसाइड डोर हैंडल, ये पावर विंडो का स्विच, नीचे है स्पीकर। और ये इसकी सीट्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है आपको रियर सीट्स पे। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिलती है आपको ब्लैक कलर में। आगे है इंटीग्रेटेड फिक्स्ड हेडरेस्ट। आइए अंदर चलते हैं। बैक पॉकेट का ऑप्शन नहीं मिलता आपको। और इस डोर को खोलेंगे तो यहाँ पे भी आपको स्पीकर मिलता है, डोर पॉकेट का ऑप्शन नहीं मिलता आपको रियर डोर्स पे।
ये ग्रैब हैंडल विदाउट कोट हुक्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट और ये लीवर फोल्ड डाउन करने के लिए। ब्लैक फैब्रिक सीट अपोस्ट्री मिलती है आपको, रियर में कोई आर्मरेस्ट नहीं मिलता आपको, काफ़ी अच्छी कुशनिंग है इन सीट्स की। और कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट का डैशबोर्ड सेकेंड रो से, ऑल ब्लैक इंटीरियर थीम के साथ, थ्री स्पोक स्टेयरिंग व्हील। रियर में आपको कोई एसी वेंट नहीं मिलता, एक कप होल्डर का ऑप्शन मिलता है। एंड सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ मिलते हैं आपको डुअल फ्रंट एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी एंड ब्रेक असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर्स, इमोबिलाइजर, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, स्पीड वार्निंग इंडिकेटर, ड्राइवर सीट बेल्ट वार्निंग इंडिकेटर, डोर अजार वार्निंग इंडिकेटर, निसान कनेक्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड सेंटर डोर लॉकिंग जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं आपको निसान माइक्रा एक्टिव के टॉप वेरिएंट में। और ये इसका साइड टर्न इंडिकेटर लुक हेडलैम्प यूनिट में मिलता है आपको। एंड निसान माइक्रा का फर्स्ट जनरेशन मॉडल लॉन्च हुआ था 1982 में इंटरनेशनली, इंडिया में ये लॉन्च हुई थी सबसे पहले 2010 में एज फोर्थ जनरेशन मॉडल। और इसका जो फेसलिफ्ट वर्जन है वो आता है निसान माइक्रा में, उधर आपको डीजल इंजन का भी ऑप्शन मिलता है एंड पेट्रोल इंजन से आता है सीवीटी गियरबॉक्स में, उधर आपको मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन नहीं मिलता है। और सारे फीचर्स सेम मिलते हैं आपको निसान माइक्रा में एज़ कम्पेयर टू माइक्रा एक्टिव। एंड ये बनी है निसान वी प्लेटफॉर्म पे, रेनो निसान प्लेटफॉर्म जो बना है कॉम्पैक्ट एंड सब कॉम्पैक्ट कार्स के लिए। और इसी प्लेटफॉर्म पे बनी है निसान किक्स जो इंटरनेशनली सेल होती है, लेकिन जो इंडिया में लॉन्च हुई है निसान किक्स उसका प्लेटफॉर्म आपको अलग मिलता है, वो बनी है डैसिया बीओ प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म पे बनी है रेनो डस्टर। और ये इसका हेडलैम्प यूनिट सर्कुलर शेप में, कई सारी एशियन कंट्रीज़ में इसको निसान मार्च के नाम से भी जाना जाता है। और इंडिया में जो रेनो पल्स आती थी वो भी रेनो निसान वी प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड थी, जो अब डिसकंटिन्यूड हो गई है। और इसकी असेंबली होती है टोटल 6 जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड, थाईलैंड में, चाइना में, इंडोनेशिया में, मैक्सिको में, ताइवान में एंड चेन्नई इंडिया में। और ये इसका हाई माउंट स्टॉप लैंप। और ये हैं इसकी कीज, दो कीज मिलती हैं आपको, एक स्टैंडर्ड की और एक रिमोट की विद लॉक और अनलॉक बटन के साथ। और ये निसान का लोगो। आइए ड्राइवर साइड डोर खोल के देखते हैं। और यहाँ पे है पावर विंडोज़ के बटन, ऑटो अप एंड डाउन का फंक्शन मिलता है ड्राइवर साइड विंडो पे, डोर माउंटेड आर्मरेस्ट, और नीचे मिलता है 1 लीटर बॉटल होल्डर की डोर पॉकेट। पीछे जो नहीं मिलता है आपको यहाँ यूटिलिटी स्पेस, इनसाइड डोर हैंडल। और ये है इसका स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे खुलता है इंजन बोनेट। और ये फ्यूल लिड, ये स्पीकर, फैब्रिक इंसर्ट नहीं मिलता आपको, हार्ड प्लास्टिक मिलता है इधर। और जॉयस्टिक से आप ORVM एडजस्ट कर पाएंगे। ये इसका AC वेंट, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स मिलते हैं आपको, वॉइस कमांड का भी फीचर मिलता है आपको। एंड ग्लव बॉक्स के ऊपर आपको मिलता है स्टोरेज स्पेस। और ये इसका ग्लव बॉक्स विदाउट एल्यूमिनेशन, ठीक ठाक स्पेस मिलती है आपको इधर। एंड पैसेंजर साइड सन वाइजर पे मिलता है आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन विदाउट लाइट, यहाँ मिलता है रीडिंग लैम्प, ये ब्लूटूथ माइक। एंड ड्राइवर साइड सन वाइजर पे कोई भी मिरर या लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता, नॉट इवन टिकट होल्डर। और यहाँ सेंटर कंसोल पे मिलते हैं आपको दो कप होल्डर्स और आगे है स्पेस। और उनके साइड में मिलता है 12 वोल्ट का पावर एसेसरी सॉकेट, ये इसका मैनुअल AC। यहाँ मिलता है आपको ऑक्स और USB के पोर्ट्स, 6.2 टच स्क्रीन सिस्टम, 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, ये हैंड ब्रेक, उसके नीचे स्पेस है। और यहाँ मिलता है कप होल्डर, CVT का ऑप्शन आपका निसान माइक्रा में आता है। और ये इसकी कीज, आइए गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। और ये है इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल, RPM मीटर, स्पीडोमीटर एंड राइट हैंड साइड पे मिलता है छोटा सा MID। और ये इसका टच स्क्रीन सिस्टम, ऑरेंज कलर की इल्यूमिनेशन मिलती है आपको, इससे आप रीसेट कर सकते हैं। और इस MID से आप पा सकते हैं वेरियस इन्फॉर्मेशन, ट्रिप मीटर, रेंज, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, इंस्टेंट माइलेज, डिजिटल टाइम
एंड डिजिटल फ्यूल मीटर जैसे फीचर देखने को मिल जाते हैं इधर। और ये इसका 6.2 टच स्क्रीन ऑडियो विजुअल नेविगेशन सिस्टम, फ़ोन मिररिंग का भी ऑप्शन मिलता है आपको, ब्लूटूथ को भी सपोर्ट करता है ये। कैमरा आपको एसेसरी में लगवाना पड़ता है, आप एसेसरी में लगवा सकते हैं। एंड निसान कनेक्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एप्लीकेशन का भी फीचर मिलता है आपको, और ये नेविगेशन को भी सपोर्ट करता है ये इसके एसी वेंट्स सिल्वर हाइलाइट्स के साथ, ये सर्कुलर शेप में। और ये जॉयस्टिक ORVMs को एडजस्ट करने के लिए दोनों साइड मिलती हैं आपको। ये स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स और नीचे है कॉलिंग कंट्रोल्स। और राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं मिलता आपको, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है आपको, टेलीस्कोपिक का नहीं मिलता है। और इसका फ्रंट डैशबोर्ड लुक ब्लैक कलर में। और यहाँ आपको मिलता है ड्राइवर साइड विंडो पे ऑटो डाउन विद ऑटो अप का फंक्शन विद एंटी पिंच, और उसके आगे है मास्टर की लॉक अनलॉक का बटन। और ये हैं इसके पेडल्स, डेड पेडल का ऑप्शन नहीं मिलता आपको। आइए इसका इंजन बोनेट खोलते हैं, यहाँ से खुलता है इंजन बोनेट। और इस वाले वेरिएंट पे मिलता है आपको ड्राइवर हाइट एडजस्टमेंट का फीचर, और ये रिक्लाइनिंग के लिए। और कुछ ऐसा दिखता है इंटीरियर, ब्लैक इंटीरियर निसान माइक्रो एक्टिव का। और इधर अंडर द बोनेट कोई पैडिंग नहीं मिलती आपको फॉर इंसुलेशन। और इधर मिलता है आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, 3 सिलेंडर का इंजन मिलता है आपको इधर। 67 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है 104 Nm टॉर्क के साथ, 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स में ही अवेलेबल है। और माइलेज क्लेम करती है कंपनी 19.69 की। एंड अगर आप निसान माइक्रा लेते हैं तो उधर आपको CVT गियरबॉक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है इसी सेम इंजन के साथ। 75 BHP की पावर मिलती है उधर 104 Nm टॉर्क के साथ, और उधर मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन नहीं मिलता निसान माइक्रा में, वो आता है सिर्फ माइक्रा एक्टिव में। एंड डीजल का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको निसान माइक्रा में। आइए इसका साउंड सुनते हैं। एंड माइक्रो एक्टिव में आते हैं टोटल 5 कलर ऑप्शंस। ये जो आप सामने कलर देख रहे हैं ये है ब्लेड सिल्वर कलर ऑप्शन। इसके अलावा आपको मिलता है टर्कोइश ब्लू, ऑनिक्स ब्लैक, ब्रिक रेड एंड स्टॉर्म वाइट कलर का ऑप्शन। तो दोस्तों कैसी लगी आपको निसान माइक्रो एक्टिव का ये टॉप वेरियंट, हमें कमेंट करके बताइए आप इसको लेना पसंद करेंगे नहीं। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।